मैं यहाँ पर बहुत कंफर्टेबल हूँ, बताया तो है। तुम भी घर जाओ और जाके रेस्ट करो। मैं जानता हूँ तुम्हें बहुत जल्दी मुझे यहाँ से भेजने की, फिक्र मत करो मैं चला जाऊंगा। ऐसी बात नहीं है। और ये क्या है? ये कुछ सामान है, जल्दबाजी में काफी कुछ वहाँ छोड़ आई हो तो आई नो कि तुम्हें जरूरत पड़ेगी इसकी। ये जरूरी सामान है? आई नो तुम्हें टेडी बेयर के बगैर नींद नहीं आती, इसलिए ले आया हूँ। अब जल्दी से सही से सो जाना। थैंक्स। एक तो इस लड़की के थैंक्स से मैं तंग आ गया हूँ। मैं जानती हूँ बहुत तंग करती हूँ ना तुम्हें, मेरी वजह से तुम भी मुश्किल में आ गए। अब सेंटी होने की जरूरत नहीं है। अच्छा वो हार्ड डिस्क और फाइल तुम्हारे पास है ना, संभाल कर रखी। हाँ सब पास है मेरे, लेकिन मुझे डर लग रहा है रहीन और दिलशाद बेगम, जितना मैं उनको जानती हूँ वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। वो हर कीमत पर खुद को और अकबर को बचाने की कोशिश करेंगे, और इन एविडेंस को हासिल करने के लिए भी वो कुछ भी कर सकते हैं। वो जो मर्जी कोशिश कर लें कभी भी तुम्हारे तक नहीं पहुंच सकते, और ना ही उस फाइल तक और हार्ड डिस्क तक। सब कुछ महफूज है, तुम टेंशन मत लो। सोनिया आंटी से तुम्हारी बात हुई? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बात करूं, कैसे बताऊं उन्हें ये सब कुछ। अमल आई थिंक तुम्हें बात करनी चाहिए, आंटी को तुम्हारी जरूरत है और तुम्हें आंटी की। मैं चलता हूं, अपना ख्याल रखो। थैंक यू वंस अगेन। अमल, अमल तुम कहाँ गायब हो? कासिम भी घर पर आ गए हैं और तुम मिलने ही नहीं आई। मामा मुझे आपको कुछ बताना है। हाँ बोलो, क्या बात है? मामा मैंने दिलशाद बेगम का घर छोड़ दिया है। शुक्र है, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। अच्छा अब तुम कहाँ हो? इतनी रात हो गई है, घर पे आ जाओ ना। मामा आप बुरा ना मानिएगा, लेकिन मैं कासिम अंकल के घर नहीं आ सकती। अमल तुम घर नहीं आओगी तो कहाँ जाओगी? ये बचपना छोड़ो, जिद मत करो। मामा प्लीज आप फिक्र ना करें, लेकिन आप जानती तो हैं कासिम अंकल के मिजाज को, उन्हें वहां मेरा आना जाना अच्छा नहीं लगता। अमल ऐसा मत करो, ऐसा हरगिज भी नहीं है। मामा कासिम अंकल ठीक नहीं है, डॉक्टर ने उनका ख्याल रखने के लिए कहा है। सरासर स्ट्रेस उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। मैं उन्हें तंग नहीं करना चाहती, ना ही तकलीफ पहुंचाना चाहती हूँ। तुम कहाँ जाओगी? फिलहाल तो मैंने होटल का एक रूम लिया है, लेकिन बहुत जल्द कहीं रेंट पे शिफ्ट हो जाऊंगी। अमल तुम अकेली कैसे रहोगी? मैं कासिम से बात करती हूँ। मामा मैंने कहा ना इसकी जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं अकेली कहाँ हूँ? मेरे साथ मेरी मामा की ढेर सारी दुआएं, सब ठीक हो जाएगा। अमल मुझे यकीन है वो तुम्हें मना नहीं करेंगे। मामा प्लीज, वैसे भी आपको पता है ना कि पापा का केस रीओपन हो रहा है, बहुत जल्द हियरिंग्स भी शुरू हो जाएंगी। बहुत काम करना है मुझे यहाँ पर, अपने पापा पर लगे हुए सारे इल्जामात होने हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ। मामा सिर्फ दुआ करें, दुआ करें कि हम ये केस जीत जाएं। खुदा हाफिज़।